हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। काफ़ी टाइम हो गया, मैं थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ही बिजी था। तो आज हम रिव्यू करते हैं सर्ग योक है लेरा। ये कॉस्मेटिक कलेक्शन में आता है, ठीक है। और बेसिकली ये फ्रेग्रेंस जो इस कलेक्शन के डेडिकेट किया गया कि जब पास्ट में इटालियन परफ्यूमरी किस तरह की थी, ठीक है। तो ये इस तरह के खुलता है, ठीक है। काफ़ी नाइस इनकी जो प्रेजेंटेशन है, ये काफ़ी टाइम से मेरे पास है। बेसिकली ये बोतल है, देख लें। और यू नो सर्जोफ की प्रेजेंटेशन और बोतल्स बहुत अमेजिंग होती हैं। और इनका एक और फ्रेगरेंस है, आई थिंक अटालिका, वो और ये काफ़ी सिमिलर हैं। और उनका भी नया बैच भी उन्होंने निकाला था पिछले साल, और ये आपको नज़र आ जाए ये बैच कोड है। बेसिकली ये मैंने ब्लैंड बाय खरीदा था, ठीक है, क्योंकि मुझे स्वीट फ्रेगरेंसेस इतने ज़्यादा नहीं पसंद, लेकिन मैं ट्राई करना चाहता था इस फ्रेगरेंस को। तो ये फ्रेगरेंस काफ़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है। मुझे ऑफर में मिला था, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव फ्रेगरेंस है ये। और ये बेसिकली स्वीट कैरमल, अगर आप स्वीट स्वीट फ्रेगरेंस लाइक करते हैं तो ये बेसिकली उसी डायरेक्शन में जाता है। इतना ईजी नहीं है। बेसिकली ये 80% लेडीज़ का फ्रेगरेंस है और 20% मैन इसको यूज़ करते हैं। लेकिन जो अटालिका है वो बेसिकली मैन और यूनिसेक्स है, पर जो मैन ये यूज़ करते हैं वो बेसिकली कहते हैं कि ये यूनिसेक्स है। पर बेसिकली अगर आप किसी वूमेन पे ये फ्रेगरेंस स्मेल करेंगे, आपको काफ़ी काफ़ी ये अट्रैक्टिव फ्रेगरेंस है। इसमें कोई, मैं नहीं कहूँगा आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे अनलेस अगर आप स्वीट फ्रेगरेंस लाइक नहीं करते। तो बेसिकली मैं आपको नोट्स बता देता हूँ। और ये जो फ्रेगरेंस है ये रिलीज हुआ था 2011 में, ठीक है। और इसके मैं आपको जल्दी से नोट्स बता देता हूँ। इसमें ब्लड ऑरेंज है, बर्गमंट है, मिडिल नोट्स सिनेमन, लिक्रिश, जैस्मीन, फेरमन, वनीला और मास्क। ये गाइस बेसिकली गुरमान गुरमानी डिडक्शन में जाता है, ठीक है। और मैं इसको काफ़ी बार सर्दियों में इस्तेमाल किया है। गर्मियों में तो आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, इतनी स्वीट फ्रेगरेंस है, ठीक है। और मुझे एक से दो कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, ठीक है, वो भी ज़्यादातर लेडीज से मिले हैं। क्योंकि सम फ्रेगरेंस आपको कॉम्प्लीमेंट्स मैन से मिलते हैं, क्योंकि वो मैस्कुलिन होता है, ऊंची होता है। लेकिन ये जो फ्रेगरेंस है, आपको मैं स्प्रेयर दिखा देता हूँ। स्प्रेयर बहुत अच्छा है, आपको पता है सर जो कि स्प्रेयर ऐसा, लेकिन मैं आपको यहाँ स्प्रे कर देता हूँ एक दो। तो बेसिकली ये ओपनिंग में आपको ब्लड ऑरेंज मिलता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा थिकिंग स्वीट है। मुझे जैसे आप ऑरेंज और चॉकलेट का कोई कॉम्बिनेशन हो, आपको स्मेल उस तरह की थोड़ी लगेगी, या कैरमल है इसमें और लिक्रिश है। बहुत ही डिलीशियस फ्रेगरेंस है, मजाक नहीं कर रहा, बहुत ही डिलीशियस फ्रेगरेंस है। अगर आप गोरमांडी फ्रेगरेंस लाइक करते हैं, मेक श्योर कीजिएगा आप सैंपल लीजिए, ठीक है। और मिड में थोड़ा बहुत, इसमें ओपनिंग में थोड़ा बहुत फ्रेश है, तो ज़्यादा नहीं। जो भी आप स्प्रे करेंगे आप कहेंगे ओ ये काफ़ी स्वीट फ्रेगरेंस है। जो ड्राई डाउन होता है उसमें वनीला मास्क, तो ये बेसिकली और कैरामेल इसमें मेंशन मेरे ख्याल में नहीं किया, लेकिन इसमें कैरामेल की आपको स्मेल आएगी। मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा था। और अगर आप दो से तीन स्प्रे करें, मेरे ख्याल में आपके कपड़ों पे ये जल्दी से उतरने वाला नहीं है, तकरीबन एक दिन इजीली निकल जाएगा दो स्प्रे से या तीन स्प्रे से। अगर आप बेसिकली ये एवरीडे फ्रेगरेंस भी नहीं है, ठीक है। आप नहीं कह सकते कि मैं एवरीडे मेरा सिग्नेचर सेंट हो। आप पीपल को ऑफेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसकी स्वीटनेस बहुत ज़्यादा है इस फ्रेगरेंस में। और बेसिक अगर ये लेडीज ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ओवरऑल मैं आपको कहूँगा कि उन पे ज़्यादा ये सूट होता है। बेसिकली मैन के हवाले से कहूँ तो इतना ज़्यादा नहीं, पर ये फ्रेगरेंस की परफॉर्मेंस मैं आपको बता दूँगा। अगर आप स्पिन के लगाएंगे, आपको 8 से 10 आवर्स ईजिली मिल जाएंगे दो स्प्रे या तीन स्प्रे से। और कपड़ों पे ज़्यादा स्टे करेगा, प्रोजेक्ट 2 से 3 घंटे इजी है, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा लाउड नहीं है, लेकिन इतना म्यूट भी नहीं है, मिडिल में है ये फ्रेगरेंस। और ये स्पेशल इवनिंग फ्रेगरेंस मैं ऐसे कहूँगा यूज़ करूँगा, लेकिन एवरीडे फ्रेगरेंस नहीं है। एक तो इसकी प्राइस है, दूसरी ये ज़्यादातर आप कोल्ड वेदर में या इवनिंग टाइम में, जहाँ आप क्लाइमेट कंट्रोल जगह पे हों, वहाँ आप जैसे एसी वगैरह वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू लेरा मोराटी का, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप ये रिव्यू लाइक करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। ये आपके अपने बाइक का चैनल है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।